लोग मुझे यहाँ बार बार लेकर क्यों आ जाते हो दोस्तों? नोबिता, इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर नहीं आया हूँ, इस बार तुम्हें यहाँ पर जियान लेकर आया है। नोबिता, डोरेमोन क्या कहा तुमने? जियान? ए, नोबिता, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? हाँ? अरे नहीं नहीं जियान, मैं तो बहुत खुश हूँ। पकड़े उन भैया, ये सब फालतू की बात छोड़ो ना, और सबसे पहले मुझे ये बताओ आज हम क्या बने हैं। अरे शिनचैन तुम्हें नहीं दिख रहा क्या? नहीं पकड़े उन भैया। अरे दोस्तों, आज हम मिस्टर मीट बने हैं। मिस्टर मीट के बच्चे, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ मेरे घर में घुसा कैसे? पकड़े उन भैया, बुड्ढे हमसे क्या पूछ रहे? इस बुड्ढे को मैं क्या बोलूं? अरे शिनचैन, तुम इसको कुछ भी बोलो, इसको कुछ भी नहीं सुनाई देगा। ये पकड़ी मुन भी एक काम करता हूँ, मिस्टर मीट की आवाज में बोलता हूँ। जल्दी बता, कल सुबह मेरे को पनवेल निकलना है। ग्रैंडपा, तुमने मिस्टर मीट की दुकान से मीट मंगवाया था तो मैं उसी की डिलीवरी करने आया हूँ। बस की बोझ, मिस्टर मीट के बच्चे झूठ बोलता है मेरे से। मैंने तो कोई भी मीट नहीं मंगवाया। ओ ट्रकले बुड्ढे, ऑर्डर तुम में से किसी ने किया है? बस की बोझ, एक लपड़ मारेंगे तो सारा होश ठिकाने आ जाएगा तेरे। ये पकड़ी मुन भी देखो ग्रैनी का बेबी स्पाइडर। अरे भाई साहब, खाना दो ना, खाना दो ना। वो चल भागिया से, गरीब सड़े में भिखारी बेबी स्पाइडर कहीं के हर टाइम खाना मांगते रहते है। दोस्तों, तुम लोग अपनी फालतू की बकवास बंद करो, और आज मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ, आज हम इलेक्ट्रिक डोर एस्केप करेंगे। और ये देखो, हमें हैंड व्हील भी मिल गया दोस्तों। चलो एक काम करते हैं, इसको इसकी सही जगह पर लगा कर आते हैं। दोस्तों ये सब तो ठीक है, पर इस बार ये बात ध्यान रखना कि हमें करंट न लग जाए कहीं पिछली बार की तरह। तुम सब लोगों को ये तो याद है ना कि हमें वो पिछली बार करंट कैसे लगा था? अरे हाँ हाँ शिनचैन, हमें याद है वही। डोरेमोन, कैसे लगा था हमें करंट? अरे दोस्तों, नोबिता को नहीं पता कि उसे कैसे करंट लगा था। चलो एक काम करते हैं, नोबिता को इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं। अरे नहीं नहीं डोरेमोन, मुझे सब याद है, मुझे पता है वो करंट कैसे लगा था। उसकी निशानी तो मेरे शरीर से अभी तक नहीं गई दोस्तों, मुझे सब याद है, मुझे कोई करंट नहीं चाहिए। दोस्तों ये सब क्या हो रहा है? हमें कोई एस्केप से रिलेटेड चीज क्यों नहीं मिल रही है यहाँ पर? अरे जी हाँ यार, अभी तक तो हमने अपना आधा घर छाना भी नहीं है, और तुम अभी से कह रहे हो कि हमें कोई सामान नहीं मिला। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पर मेरे को लगता है कटिंग प्लायर है। चलो एक काम करते हैं, वहाँ से उधर की तरफ चलते हैं और यहाँ से ये फट्टे हटा देते हैं दोस्तों। और फिर हम उस कटिंग प्लायर से दोस्तों सारा बिजली का वायर, यहाँ का मतलब पूरा बिजली का सिस्टम ही काट देंगे दोस्तों। ना रहेगी बिजली और ना रहेगा करंट। ये देखो कटिंग प्लायर मिल गया हमें। अब चलो मैं यहीं से चलता हूँ और ये पेंटिंग को मैं जल्दी से यहाँ से हटा देता हूँ। और चलो ये लाल वाली वायर को मैं काट देता हूँ। और ये देखो यहाँ से बिजली भाग गई दोस्तों। अब चलो मैं इसको यहाँ पर फेंक देता हूँ। और ये देखो ग्रैनी तो यहाँ पर जम गई है दोस्तों। ये पुकड़ी मुन भी चलो ना एक काम करते हैं, ग्रैनी के पास चलते हैं। तेरे मिस्टर मीट, क्या बात हो गई आज? कैसे आ गया मेरे घर में? धंधा डाउन चल रहा है क्या तेरा? ये धंधा तो मैं तेरे डाउन करवाऊंगा ग्रैनी की बच्ची। ये देखो दोस्तों, हमें स्टैंडगन मिल चुकी है, पर मैं इसको अभी ग्रैनी पे नहीं चलाऊंगा। शिनचैन, तो फिर तुम किस पे चलाओगे? उस बुड्ढे पे? अरे हाँ पपी, तो भैया मैं उस पे ही चलाऊंगा। चलो जल्दी से चलता हूँ मैं, वो बुड्ढा तो यहीं पर जमा हुआ था ना। चलो अब मैं इस बुड्ढे का जल्दी से इलाज करता हूँ। वो बुड्ढे ये देख, इधर देख। पास के पूछो मिस्टर मीट के बच्चा, चलो अपनी बंदूक नीचे रख। बंदूक नहीं देखा तेरी बंदूक का मेरे पास बिल्कुल असर नहीं हुआ मिस्टर मीट। पुकड़ी मुन भी ये हमारे साथ क्या कॉमेडी हो रही है? ये तो निशाना ही नहीं लग रहा ग्रैंडपा के बच्चे को, और ये तो नाच भी नहीं रहा। दोस्तों मुझे अब डर लगने लगा है। अरे भाई साहब, खाना दो ना। अरे भाई साहब, खाना दो ना, खाना 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 दो ना, खाना दो ना, खाना दो ना, खाना दो ना। दोस्तों बहुत जोर से लग गए। अरे दोस्तों तुम लोग अभी रुको, अभी मैं इस ग्रैनी के बेबी स्पाइडर का यहाँ पे काम तमाम करता हूँ। आज तुम इसके पिछवाड़े पे गोली मार के रंगो, जल्दी से बाहर निकल ग्रैनी की सड़ी हुई मकड़ी। अरे भाई साहब, खाना ले आए, खाना ले आए, खाना दो ना, खाना दो ना भाई साहब, खाना दो ना, खाना दो ना, खाना। भाई साहब ये कैसा खाना दिया आपने? भैंस की पूंछ, भैंस के टांग, तेरी इतनी मज्जा, तूने मेरी मकड़ी को मारा ग्रैनी। ओए टकलू, तू वहां पर ग्रैनी ग्रैनी करता रहे, ग्रैनी नहीं आने वाली। और चलो दोस्तों मैं क्रोबार उठा लेता हूँ, और एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर फेंक देता हूँ। और यहाँ पर ये जो इस बक्से के अंदर बम रखे हैं, इनको ग्रैंडपा के ऊपर फोड़ कर देखता हूँ। ये हमारी स्टन गन से तो मर नहीं रहा, क्या पता इनसे मर जाए। अरे भाई खत्म हो जा रहे यार, भाई ये क्या हो रहा है? ये ग्रैंडपा का बच्चा तो यार वहाँ पर एकदम मूर्ति की तरह जम गया। भैंस की पूंछ, भैंस के टांग, ओए मिस्टर मेट के बच्चे, तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। पुकड़ी मुन भी, ये क्या हो रहा है? पुकड़ी मुन भी, ये कुछ तो उपाय निकालो। अरे दोस्तों हमें इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, वो ग्रैंडपा का बच्चा अपने आप ही हिलेगा, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा बस। और चलो दोस्तों हम इतना एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ये जो क्रोबार से ये फट्टे हैं इनको हटा देता हूँ। नीला कुंडा नीचे बक्सा
रास्ता है जो कि क्रोबार से खुलेगा। अरे हाँ भाई जान, मेरे को पता है। चलो एक काम करता हूँ, चलते समय बक्सा खोल दो, देखते इसके अंदर क्या है। इसके अंदर तो वेपन की है यार, जो कि हमें नहीं चाहिए यार। अभी एक और बक्सा है दोस्तों, चलो मैं ऊपर चलता हूँ और उस बक्से को भी खोल कर देखता हूँ, क्या पता है उसमें से हमें कोई काम की चीज मिल जाए। ये पुकड़ीमोन भैया भी तो हमें दो चीज ही तो चाहिए काम की, एक हमारे डोर हैंडल और एक चाहिए हमें पैडलॉक की। पुकड़ीमोन भैया, अरे हाँ यार दोस्तों, अगर हमें इन दो में से कोई एक चीज मिल जाएगी तो मजा ही आ जाएगा। ओ मिस्टर मीट के बच्चे, यू ग्रैंडपा का क्रोबार कहाँ से लाया, और तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरे स्पाइडर को मार दिया, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने के मिस्टर मीट के बच्चे। पुकड़ीमोन भैया ये देखो पैडलॉक की मिल गई पुकड़ीमोन भैया। अरे वो पुकड़ीमोन भैया, पैडलॉक की मिल गई दोस्तों, हुर्रे, अब हमें डोर हैंडल चाहिए। हुर्रे दोस्तों, तो मजा ही आ जाएगा। अब चलो मैं काम करता हूँ इस पैडलॉक की से यार, वो ताला खोल दे तो। अरे यार मैं यहाँ पर कैसे आ गया, मुझे वहीं पर जाना पड़ेगा। ताला तो यहाँ पर, और मैं पता नहीं वहाँ पर क्या लेने जा रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, ताला भी खुल गया और बस अब हमें एक डोर हैंडल चाहिए यार। पता नहीं डोर हैंडल कहाँ से मिलेगा। पुकड़ीमोन भैया बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, डोर हैंडल भी हमें जल्दी से मिल जाएगा, क्या पता वो सिक्योरिटी रूम में हो। और यार पुकड़ीमोन भैया, वो बुड्ढा तो वहाँ से हिलने का नाम भी नहीं ले रहा, हम फिर उसको मारेंगे कैसे, उस सिक्योरिटी की लेंगे कैसे। अरे दोस्तों बस फिर तो यार, अब बस एक ही रास्ता बचा है। डोरेमोन क्या, जल्दी बताओ। भाई बुड्ढे चल चुप कर, टाइम भैंस की पूंछ लगा रहता है। दोस्तों मैं ये कह रहा था कि अब हमें अपने ऊपर बम फोड़ना पड़ेगा, तो समझ गए तुम लोग, तभी यार हमारा इतना बर्बाद होगा और तब जाके यार ये बुड्ढा और बुढ़िया यहाँ से हिलेंगे। डोरेमोन दोस्तों, ये तो इसका मतलब ये ग्रैनी और ग्रैंडपा ने फिर तगड़ी साजिश करी थी। अरे हाँ नोबिता, तो तुमने सही कहा है, अगर ये दोनों हमें नहीं मार सकते तो हमें अपने आप को खुद ही मारना पड़ेगा यार। ये देखा तो तुम लोगों ने, इनकी साजिश तो देख ली ना, ये दोनों कितने चालाक हैं। एक दो तीन, बच गई हमारी बीन। डोरेमोन अगर इस बार भी पिछली बार की तरह हो गया तो हमारा क्या होगा। अरे नोबिता इस बार शायद वो नहीं होगा, इस बार तो मैं पहले ही ग्रैंडपा को मार दूंगा और उससे सिक्योरिटी की ले लूंगा। अगर ऐसा हुआ भी तो तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। नीलरकुंडो, नोबिता और शिनचान को कोई फर्क पड़े या ना पड़े, अगर हम लोग यहाँ से एस्केप नहीं कर पाए तो तुम्हारी सेहत को बहुत ज्यादा असर पड़ेगा डोरेमोन। अरे नहीं नहीं जियान दोस्तों, यार तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ हम यहाँ से एस्केप करके रहेंगे दोस्तों, और हर कीमत पे करके रहेंगे हम यहाँ से एस्केप। हाँ तुम्हारी सेहत के लिए यही बढ़िया रहेगा नीले रकुंडो। भैंस की पूंछ, भैंस की टांग, कौन है, किसने शोन किया। अरे दोस्तों यार, एक तो इस बुड्ढे का भी दिमाग ही खराब है, टाइम भैंस की टांग भैंस की पूंछ करता रहेगा। इस बुड्ढे की टांग तो मैं किसी दिन तोड़ दूंगा दोस्तों। डोरेमोन बस बस ज्यादा मत बोलो, अपनी स्टनगन को ले लेते हैं डोरेमोन, जिससे पहले की कोई अनहोनी हो जाए दोस्तों। चलो ये ग्रैनी आ गई, सबसे पहले ग्रैनी को ही टपका देते। अरे यार इसको तो गोली भी नहीं लग रही। अरे क्या लग गया इसको, मार डाल रही। पपीता भैया, गुड जॉब, और अब हमें उस बुड्ढे का भी काम तमाम करना है दोस्तों, इससे पहले कि वो वहाँ पर अटक जाए और उसको गोली का कोई भी असर न हो। अरे दोस्तों ये देखो, बुड्ढा तो यहीं पर आ गया। मैं उसके पूंज भैंस के नाम बुड्ढा किसको बोले रे बेटा, अभी भी बहुत जवान ही बाकी है मेरे में, अभी जैसे दारू पी कर आया हूँ। बुड्ढे तो 2 मिनट रो करे। पुकड़ीमोन भैया ये क्या, इसको तो गोली का भी कोई असर नहीं हो रहा। पुकड़ीमोन भैया इसको तो गोली भी नहीं लग रही। अरे शिनचान इस बुड्ढे के सर पे नहीं, छाती पे गोली मारो। अरे दोस्तों एक काम करते हैं, बुड्ढे से सिक्योरिटी की ले लेते हैं, और चलो यार फिर जल्दी से ऊपर चलते हैं और अपने सिक्योरिटी रूम को करते हैं ओपन। और यार दोस्तों काश हमें उसमें से वो डोर हैंडल मिल जाए तो यार दोस्तों, यार फिर तो मजा ही आ जाएगा। चलो मैं दरवाजे को खोलता हूँ, दरवाजा खुल गया दोस्तों, यार इसको यहाँ पर फेंक देता हूँ और चलो यार ऊपर चलता हूँ, ऊपर देखता हूँ यार ऊपर क्या पता डोर हैंडल रखा हुआ हो। चलो मैं अभी खोलता हूँ, यार यहाँ पर क्या, अरे यहाँ पर तो यार कुछ भी नहीं है दोस्तों। चलो मैं इसे खोलता हूँ और इन ड्रॉवर्स में देखता हूँ, अरे इसमें तो हेलीकॉप्टर मैनुअल है। अरे यार दोस्तों यार इन ड्रॉवर्स में अभी कुछ भी नहीं है, सब सड़ी हुई चीजें रखी है इन ड्रॉवर्स में। पुकड़ीमोन भैया अब क्या होगा, अब तो हमें डोर हैंडल नहीं मिला, अब क्या करें हम। अरे जिनचन रुको जरा सबर करो, एक काम करते दोस्तों, मैं काम करता हूँ कटिंग प्लायर को, मैं ऊपर ले जाकर छोड़ देता हूँ। चलो मैं यहाँ पर कटिंग प्लायर को फेंक देता हूँ, यार अपनी अब मैं बंदूक लेने चलता हूँ, मतलब हमारी स्टनगन तो यार मैंने नीचे फेंकी थी, यहाँ चलो मैं उसको जल्दी से ले आता हूँ। और फिर यार मैं वहाँ पे वो निशाना भी मारना, और फिर यार मैं वो बक्सा खोलूंगा और देखते हैं उस बक्से में से हमें क्या मिलेगा दोस्तों। ये पुकड़ीमोन भैया आपने सही कहा, और दोस्तों यार अगर आपने ये वीडियो
यहाँ तक देख लिया तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों प्लीज। अरे चंचन तुम चिंता मत करो, अब तक तो हमारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोनों कर दिया होगा, तो तुम ज्यादा चिंता मत करो चंचन। अरे दोस्तों अब एक काम करते हैं, अब चलो मैं यहाँ पर ही निशाना लगाता हूँ। कहाँ 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 कहाँ, अरे हाँ ये देखो, चलो मैं यहाँ पर निशाना लगा देता हूँ। ये देखो निशाना लग गया, अब चलो मैं इसको यहाँ पर फेंक देता हूँ। चलो जल्दी से मैं कटिंग प्लेयर ले आता हूँ। अरे पोकेमोन भैया मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ, पता नहीं हमें इसमें से क्या मिलेगा। पोकेमोन भैया हमें इसमें से डोर हैंडल जरूर मिलेगा, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। चलो ये खुल गया, पहली जंजीर तो हमने तोड़ दी पोकेमोन भैया, दूसरी भी तोड़ दी हमने। अरे यार ये क्या पोकेमोन भैया, इसमें तो यार सड़ी हुई हेलीकॉप्टर की है जो कि हमें नहीं चाहिए दोस्तों, हम हेलीकॉप्टर एस्केप थोड़ी ना कर रहे हैं। अरे चिंचन यार भाई तुम चिंता मत करो, अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमने खोज भी नहीं करी चिंचन। चलो एक काम करता हूँ, एक बार इस डोर को खोलता हूँ। अरे यार इसमें भी कुछ नहीं है। अरे चलो अभी सामने वाले कमरे में देखता हूँ यार, इसमें अभी तक हमने खोज भी नहीं करी। अरे देखो दोस्तों इसमें तो हमें डोर हैंडल मिल गया। अरे यार जिसको हमने गली गली में ढूंढा यार वो तो यहाँ पर इस ड्रॉअर अलमारी में मिली, और ये बूढ़ा वहाँ पे क्या कर रहा था दोस्तों? ये ग्रैनी बुड्ढी, भाई भाई अब हम यहाँ से एस्केप कर रहे हैं, बाय बाय अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। चलो मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ दोस्तों, और ये देखो ग्रैनी और ग्रैंडपा तो यहाँ पर आ गए। आपके पहुँचा गणानी, इसको जल्दी से डंडा मार, रोक इसको जल्दी से डंडा मार गणानी, नहीं तो एस्केप कर लेगा। ग्रैंडपा तुम्हारे हाथ में तो क्रोबार है ना, तो तुम उसे क्रोबार से क्यों नहीं मारते? गाय भैंस पानी में, भैंस के पॉइंट भैंस के टांग, गरानी में तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ग्रैंडपा मेरी क्या गलती इसमें? गरानी तेरे से तो नाटक भी अच्छे से नहीं होते।